हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अब्दुल जनपुरी की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के बारे में। अमेठी जिला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज कस्बा है। अमेठी जिला उत्तर प्रदेश का 72वां आबादी वाला जिला है। यह जिला 1 जुलाई 2010 में सुल्तानपुर अमेठी गौरीगंज मुसाफिर खाना एवं राय बरेली जिले की दो तहसील इलोई और सलोन को मिलाकर बना था, जिसका पुराना नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर था। बाद में यह नाम बदलकर अमेठी रखा गया। तो दोस्तों, आप कभी उत्तर प्रदेश में घूमने का इरादा करते हैं तो अमेठी जिला में जरूर आए, क्योंकि दोस्तों इस नगर में ऐसे ऐसे गौरवशाली मंदिर है जहां पर आप जाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सड़क पर चलते हुई गाड़ी के प्लेट नंबर पर अगर यूपी 36 लिखा हो तो समझ लीजिए कि यह गाड़ी अमेठी जिला की है, क्योंकि दोस्तों इस नगर का वाहन कोड यूपी 36 है। वह साक्षरता दर 59.14% है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर से दबाएं। इस नगर का कुल जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 13,849 है। यह भारत का 72वां आबादी वाला शहर है। इस नगर का लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 908 महिलाएं पाई जाती है, जिनमें पुरुष साक्षरता 59% और महिला साक्षरता 49% है। इस नगर का मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू और अवधी है। दोस्तों, इस नगर का ऐतिहासिक बहुत ही गौरवशाली है। अमेठी को पहले रायपुर अमेठी कहा जाता था। जब यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया गया था तो इसका नाम अमेठी रखा गया था, लेकिन इससे पहले उस सटीक नाम के साथ कोई समझौता नहीं हुआ था। कम से कम अकबर के समय से अमेठी का एक महल या परगना था। इसका उल्लेख मुख्यालय में एक ईंट के किले के साथ और राजपूतों द्वारा आयोजित किया गया था। बहमन गोटी, जो शायद बांधल गोटी के समान है, जिनसे अमेठी के राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। बाद में परगना को मानिकपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अमेठी के बांधल गोटी राजा मूल रूप से रायपुर फुलवारी में रहते थे, जो सरवनपुर और कटरा हिम्मत सिंह के साथ उन तीन गांवों में से एक थे, जिन्हें बाद में रायपुर अमेठी के आधुनिक शहर में मिला दिया गया था। रायपुर फुलवारी के पुराने किले को सफरदरगंज ने नष्ट कर दिया था। 1473 इसकी खंडहर आज भी दिखाई देती है। बांधल गोटी नेता गुरुदत्त सिंह, जिन्होंने बारी बारी से बाबू और राजा की उपाधि धारण की। बांधल गोटी नेता गुरुदत्त सिंह ने सफरदरगंज के अधिकार को इतनी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था कि सफदरगंज ने व्यक्तिगत रूप से किले को घेरने के लिए रायपुर में एक सेना का नेतृत्व किया था। 18 दिनों के घेराबंदी के बाद गुरुदत्त सिंह रामनगर के पड़ोसी जंगल में भाग गए और किले को नष्ट कर दिया गया और उनकी संपत्ति को सफदर के अधीन कर दिया गया। तालुका को तब दिग्रपाल सिंह के दो बेटों के बीच विभाजित किया गया था, जिसमें हरचंद सिंह को विरासत का बड़ा हिस्सा मिला था और जयचंद सिंह के ने कन्नू कसरावन की कनिष्ठ शाखा की स्थापना की थी। हरचंद सिंह को मूल रूप से 153 गांव विरासत में मिले थे, लेकिन 1804 में अमेठी के पूरे परगना के लिए संलग्न करने की अनुमति दी गई थी। 1810 में सआदत अली खान द्वितीय द्वारा इस व्यवस्था को बदल दिया गया, जिससे हरचंद सिंह के पास सिर्फ 43 किराया मुक्त गाँव रह गए। उन्होंने अपने बेटे दलपत शाह के पक्ष में त्याग दिया, जो 1813 में तालुका को उसकी मूल सीमा तक बहाल करने में सक्षम था। 1815 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई और उनके बेटे विशेषर सिंह ने गद्दी संभाली, जो 1842 में उनकी भी मृत्यु हो गई। 20वीं सदी के शुरुआत में अमेठी एस्टेट में अमेठी के परगना में 1314 गांव और 4 पट्टियां शामिल थे। रेलवे के आने से अमेठी का एक प्रमुख शहर के रूप में विकास हुआ। 1897 में एक ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी ने लिखा था, रायपुर छोटे महत्व बस्तियों का एक संग्रह है जिसमें व्यापार का कोई प्रयास नहीं है। यह तब बदल गया जब अवध और रोहिलखंड रेलवे 1898 में एक स्टेशन के साथ शहर में आए। शहर तब आकार और वाणिज्यिक महत्व में तेजी से बढ़ा और 1903 की शुरुआत में इसे पहले से ही एक समुद्र शहर के रूप में स्थापित किया गया था। रायपुर वह स्थान है जहाँ बाजल गोटी राजपूतों के राजा का पहला किला स्थित था। उनके पूर्वज रायपुर में रहते थे, जो अब रायपुर फुल
बुलवारी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र के वर्तमान अमेठी से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में रामनगर में नया किला बनवाया गया था। यह पूर्व सांसद संजय सिंह और वर्तमान विधायक गरिमा सिंह का निवास है। अमेठी की पहचान संजय गांधी से दुनिया भर में हुई। नेहरू परिवार में घनिष्ठ संबंध रखने वाले राजा रणजय सिंह के कहने पर संसदीय चुनाव लड़ रहे थे। यह हनुमानगढ़ी नामक हनुमान मंदिर और लगभग 100 साल पहले बनी एक मस्जिद के लिए भी प्रसिद्ध है। अमेठी से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर में मगरवान में प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा है, जो रामनगर के पास है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। इस जिले में घूमने के लिए बहुत सारी जगह उपलब्ध है, जहां पर आप अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अमेठी जिला में कौन कौन सी जगह घूमने के लायक है। नंबर 1, श्रीदेवी पाटन मंदिर। श्रीदेवी पाटन मंदिर अमेठी जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अमेठी जिले में स्थित है। इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर माता पाटन देवी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। पाटन देवी की प्रतिमा बहुत सुंदर है। मुकुट और वस्त्रों से माता की प्रतिमा को सजाया गया है। माता की प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर नवरात्रि में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। बहुत सारे भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। आपको यहाँ पर आकर शांति मिलेगी। यह मंदिर अमेठी शहर में अमेठी गौरीगंज मुख्य हाईवे सड़क पर स्थित है। आप इस मंदिर में आसानी से पहुँच सकते हैं। नंबर 2, दुखहरण नाथ शिव मंदिर। यह मंदिर अमेठी शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग कुछ अलग प्रकार का है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग पारदर्शी है। यहाँ पर आकर शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। यह मंदिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। मंदिर में श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं दीवार पर बनाई गई है। यह प्रतिमाएं बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा मंदिर की दीवार में ही नाग देवता की प्रतिमा, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। यहाँ पर मंदिर का डिजाइन बहुत आकर्षक है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह मंदिर अमेठी जिले में मुख्य अमेठी गौरीगंज हाईवे सड़क थोड़ी दूरी पर स्थित है। नंबर 3, श्री हनुमान गढ़ी मंदिर। श्री हनुमान गढ़ी मंदिर अमेठी शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर में हनुमान जी की बहुत सी सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ मंदिर मुख्य अमेठी शहर भी में बना हुआ है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ पर मंगलवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। नंबर 4, समस्तपुर पछी विहार मंदिर। समस्तपुर पछी विहार अमेठी जिले का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियाँ देखने के लिए मिल जाती है। यह जगह अमेठी जिले में सलोर में स्थित है। यहाँ पर आप अपने वाहन से आ सकते हैं। यहाँ पर पार्क बना हुआ है, जहाँ पर एंट्री का चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी झील है। यह झील बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर झील में कमल के फूल भी देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। आप यहाँ पर अपने घर वालों और दोस्तों के साथ आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। समस्तपुर पछी विहार पर उद्यान बना हुआ है, जहाँ पर झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर वॉच टावर बना हुआ है, जहाँ से आप पछी विहार के चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और आप यहाँ अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। नंबर 5, मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा। मलिक मोहम्मद जायसी का मकबरा अमेठी जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मकबरा अमेठी जिले में रामनगर में स्थित है। मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने पेशावर नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जिसके ऊपर पेशावर पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पर आकर आपको सुंदर मकबरा देखने के लिए मिलता है। मकबरे के मध्य भाग में मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र देखने के लिए मिलती है। यह मकबरा बहुत ही सुंदर ढंग से रखा गया है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई प्राचीन व खूबसूरत पर्यटन स्थल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अपने शहर का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अब्दुल जौनपुरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।